हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं रचनाएं, यानी कि कुछ लेखक उनकी प्रसिद्ध किताबें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है अभिज्ञान शकुंतलम। जी मैं आपको पहले बता दूं किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, हाई स्कूल का हो, चाहे वो ट्वेल्थ का हो, इसके अलावा जो भी जूनियर हो या फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछे कुछ कुछ यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम, वो है कालिदास, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्य के साथ मेरे विश्वास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इंडिया डिवाइडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, रिपब्लिक प्लूटो कामानी जयशंकर प्रसाद, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, जूलियस सीजर इंपॉर्टेंट, शेक्सपियर और भारत भारती, महेश्वर गुप्त और गोदानी प्रेमचंद और भूले बिखे चित्र भगवत सर उपाध्याय। ठीक है, और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, माई ट्रुथ इंदिरा गांधी इंपॉर्टेंट है ये वाली, और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ और मैन कॉफ हिटलर की है, और ऐसे ऑन गीता अरविंद घोष, ये जो मैं लगाई हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी हैं वैसे। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी, एग्जाम में जो एससी के एग्जाम है उनमें तो काफ़ी पूछा था, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी मैं आपको चीज़ें आगे कराने वाला हूँ। सीखने वाले हैं एग्रीकल्चर यानी कि फसल के बारे में। ठीक है कृषि के बारे में, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर। और मैं बता दूँ कौन बच्चा इस वीडियो को देख सकता है, जे क्लास फोर्थ से लेकर जो चाहे वो ट्वेल्थ में पढ़ता हो, चाहे हाई स्कूल पढ़ता हो, चाहे जूनियर हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हर एक क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए अच्छा कृषि के बारे में। भारत एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, दूसरा नंबर 55 से 60 यानी कि 55 से 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी कि अपने जो इंडिया में जनसंख्या है वो 55 से 65% निर्भर है कृषि पर। ठीक है, दूसरी बात सबसे बड़ा क्षेत्र जो रोजगार उपलब्ध कराता है, यानी कि सबसे ज़्यादा नौकरियां जो देता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि सरकारी सेक्टर में। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से फसलें उत्पादन, यानी कि भारत में तीन फसलें होती हैं, उनके नाम में लिखे हैं रबी, खरीफ और जयाद। ठीक है, चलो इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है रबी की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल कब हम बोते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, काटी कब जाती है, मार्च और अप्रैल वाले महीने में काटी जाती है। अच्छा, ये क्या है, यह फसल सिंचाई द्वारा यानी कि बढ़ाई जाती है, यानी कि सिंचाई का मतलब पानी द्वारा, बात समझ में आई, ये फसल कैसे बनाई जाती है, पानी के द्वारा बड़ी की जाती है, पानी दे देकर सिंचाई का मतलब ये है इसमें, जैसे कि गेहूँ पानी दिया जाता है, सरसों में, जौ में, चना में, मटर में और आलू में, ये सभी कैसे बड़ी की जाती हैं, सिंचाई के माध्यम से। ठीक है, ये बात हो गई रबी की फसल के बारे में, अभी मैं जयाद और खरीफ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं खरीफ और जायद वाक्य के बारे में। ठीक है, हमने रबी फसल के बारे में बता दिया, अब आपको अब मैं बात करूंगा खरीफ और जायद के बारे में। सबसे पहले खरीफ जायद फसल। ठीक है, देखो ये बोई कब जाती है, जून और जुलाई में। ठीक है, काटी कब जाती है, अक्टूबर और नवंबर वाले महीने में। ठीक है, अच्छा इसे मानसूनी फसल बोलते हैं, क्योंकि जो फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसके मतलब जो बहुत सारी जगह बारिश से हो जाती है, कुछ जगह पानी देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि रबी फसल है उसमें तो वर्षा होती नहीं है, तो उसमें तो टोटल पानी लगेगा, लेकिन इसमें मानसून यानी कि पानी कम मात्रा में देना है, वहाँ पर ज़्यादा देना या कम देना, इसीलिए मानसून ही बोलते हैं। जैसे कि धान, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तंबाकू, जूट और मूंगफली, ये सभी फसल होती हैं खरीफ वाली फसल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जायद की फसल। ठीक है, कब बोते हैं इसे, मार्च के महीने में, और फसल को इसको काटते कब हैं, ठीक है, कार्तिक में, जून में। ठीक है, अच्छा जैसे एग्जाम्पल में हरी सब्जियाँ जितनी भिंडी हैं और या फिर और सब्जी आ गई हैं वो, ठीक है, खीरा है, ठीक है, ककड़ी है, तरबूज है और क्या है, ये खरबूज है। ठीक है, ये सारी फसल मैंने आपको करा दी। ठीक है, ये सारी फसल मैंने तीनों फसल थी वो आपको मैंने करा दी। ठीक है, इसके अलावा मैं आप थोड़ी डिटेल में जाऊँगा सब्जियों के बारे में और फसलों के बारे में। ठीक है, छठी बीमारी ना है भारत में 80% वाले की जी बीमारी है, मैं सुनवाना चाहता सुनाया चाहता मास्टर है बे बताया जी चाहता, देखो मास्टर हमारे अंदर इतने डाउट हैं, क्लियर करो, तू कर पास होगा तो हिम्मत हिम्मत तुम दम आते तुम्हारे अंदर रहते ही जी कह विचार। ठीक है, तो मैं तुम्हें कहा गई है शांतिपूर्वक मास्टर सुनो, गारंटी दे रहा हूँ 99% डाउट खत्म हो जाएंगे तुम्हारी, हम तुम तक आ कह रहे हैं
टीचर या मैडम कितनी परसेंट सुनो, 99% बार सुनो बार पूरी बात, जब वो खत्म है जाए कर दवाई बार कि वो भाई बात खत्म आएगी उसके बाद तुम डाउट पूछो। और वैसे मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% टीचर कोई छोड़ा तो ना, कोई ना छोड़ा तो डाउट है कथम कर देते हो पहले, लेकिन बस सुनो अच्छे तरीका ध्यानपूर्वक, वो कहा सुना विचार हो सही मारी डाउट रहेगी कुछ सही ना है, और बाद में रहेगा तो बाद में पूछा बात है पूरी भाई क्लियर चाहिए या कुछ बैठे आता के बाद। ठीक है चलो अब देखो मैं अब सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब ये है जैसे कि चावल है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ऐसी की बात है। ठीक है तो सबसे पहले मैं बात की है मैंने राइस की, चावल की। ठीक है अच्छा नहीं, भारत की मुख्य खाद्य फसल है सबसे ज़्यादा खाने वाली। ठीक है सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है, भारत में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने चावल ना खाया हो या ना खाता हो। ठीक है सबसे ज़्यादा देश कौन सा करता है, वो चाइना करता है इसका प्रोडक्शन। ठीक है इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होती है, नंबर 2 पर यूपी है और नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश। ठीक है चलिए अब बात करते हैं हम गेहूं की। अच्छा गेहूं क्या है, वो दूसरी मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा जगह प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, चाइना में होता है। अच्छा इंडिया में कहाँ होता है, यूपी में होता है, पंजाब में होता है, एमपी में होता है और हरियाणा में होता है। ये किसकी बात होगी, गेहूं की। अच्छा अब बात करते हैं कॉफ़ी की। ठीक है ठीक है कॉफ़ी का है, कॉफ़ी एक बागान फसल है, बागान का मतलब यहाँ पर बाग उगाए जाते हैं कॉफ़ी के लिए। ठीक है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है, ब्राज़ील में। अच्छा इंडिया में कहाँ उगाई जाती है, कर्नाटक में। ठीक है अब बात करते हैं शुगर केन गन्ने की। ठीक है तो गन्ने सबसे पहले एक साल की फसल है, कई साल की, एक साल की पूरी फसल है। ठीक है बहुत देर में हो पाती है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है। ठीक है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी है, लेकिन एक मैंने नोट पॉइंट लगाया, लेकिन चीनी के मिल जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं इसके। ठीक है मिले यानी कि जो चीनी वहाँ पर वो फिल्टर की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है तो ये बातें होंगी अब आज के बाद भी, अब थोड़े और ये एक दो टॉपिक बचे हैं चाय वगैरह उनको भी लेते हैं। ठीक है अब और फसलें जानते हैं। सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पर क्या, चाय। ठीक है चाय कैसी फसल है, बागान फसल है। अच्छा इस पॉइंट को अच्छे से देखें, जो एक बागान फसल है और पर्वतीय ढलानों पर खेती की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि वहाँ पानी रुके ना, अगर पानी रुकेगा जैसे मान लीजिए समतल है। ठीक है यहाँ पर अगर हम चाय की खेती करेंगे पानी भरा रहेगा तो फसल यहाँ पर होगी नहीं, यानी कि पानी तो होना चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ऐसे होती है चाय की खेती। ठीक है अच्छा वो वहाँ पर्वतों पर ही हो सकती है। अच्छा सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, चाइना। इंडिया में कौन करता है, असम। ठीक है अच्छा मिल्ट बाजरा की बात करिए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ठीक है और दाल की बात करिए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, आलू की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, और जूट की बात की जाए तो वो वेस्ट बंगाल में होता है, और मक्का की बात की जाए सबसे ज़्यादा यूएसए देश की बात कर रहा हूँ और इंडिया में हो तो कर्नाटक। ठीक है रबर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, इंडिया में केरला में। कॉटन कपास की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होता है चाइना में, और इंडिया में कहाँ होता है, गुजरात में। ठीक है मसाले तो आपको पता ही है, केरला। ठीक है और पीनट अखरोट ये देश है, देश कौन सा है सबसे ज़्यादा करने वाला, चाइना, और इंडिया में गुजरात। ठीक है तो ये आपको मैंने एग्रीकल्चर टॉपिक करा दिया, आई होप आपको सारी ये टॉपिक अच्छा लगा, तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को दें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें इस बात को। धन्यवाद।